जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में, आपके कमेंट्स के बारे में। तो यहां पर ये दो कमेंट मैं पढ़ने वाला हूं, ये दोनों के दोनों एनसीसी डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड हैं, इन पे हम बात करते हैं। एनसीसी डायरेक्ट एंट्री वही होती है जिसमें अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड है और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको बिना किसी एग्जाम दिए डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी क्लियर करने पर और मेडिकल क्लियर करने पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप डायरेक्ट ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो लेफ्टिनेंट बनने के लिए। तो ये होती है एनसीसी डायरेक्ट एंट्री। इसमें ये क्वेश्चन आया है, स्पेशल एंट्री क्वेश्चन है रंगनाथ ताइडे का। ये पूछ रहे हैं स्पेशल एंट्री एनसीसी थ्रू की लास्ट एज लिमिट क्या होती है। तो देखो, इसकी लास्ट एज लिमिट जो होती है वो होती है 25 ईयर्स। लेकिन ध्यान रहे कि ये 25 ईयर जो लास्ट एज लिमिट होती है ये फॉर्म अप्लाई करने की नहीं होती है, ये होती है अकेडमी ज्वाइन करने की। जब हम वहां पे जाके अकेडमी ज्वाइन करते हैं और कोर्स की स्टार्टिंग हो जाती है, वहां पे हमारी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस हिसाब से अराउंड 24 ईयर्स इज लास्ट डेट, क्योंकि 1 ईयर तो प्रोसीजर में लग ही जाता है जब तक हम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद जब तक हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो लगभग 24 साल होती है जो लास्ट एज लिमिट होते हैं एनसीसी के डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए। वैसे 25 साल होती है अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है राहुल मिश्रा का। ये पूछ रहे हैं ये डायरेक्ट एंट्री के फॉर्म कब आते हैं, आते कब है। देखो, पहली बात तो ये, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें ताकि जो भी एंट्री आए आर्मी से रिलेटेड उसका आपको पता लगता रहे। दूसरा एक काम आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं वीडियो बनाकर उस पर डाल दूंगा। और तीसरी बात, ये फॉर्म कब निकलते हैं, क्वेश्चन ये है। तो एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं। एक बार ये निकलते हैं जून जुलाई के आसपास और दूसरी बार ये निकलते हैं दिसंबर और जनवरी के आसपास। तो ये डेट होती है इनके फॉर्म निकलने की, ठीक है। जुलाई मंथ में मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म निकलते हैं और वहां पर दिसंबर और जनवरी मंथ में मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म निकलते हैं। तो ये 2 मंथ होते हैं जहां पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, इस टाइम पे आप ज्यादा अवेयर रहें ताकि जब भी फॉर्म निकले आपको पता लग जाए। वैसे भी इनकी डेट अच्छी खासी होती है फॉर्म भरने की, तो आपको आराम से पता लग जाएगा अगर आप डेडिकेटेड हैं डिफेंस के प्रति। तो अगर आपका भी कोई कमेंट है इससे रिलेटेड, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहें वीडियो के लिए, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है वो पूछिए, चाहे वो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर से रिलेटेड हो या फिर डिफेंस की किसी भी एंट्री से रिलेटेड हो, ऑफिसर एंट्री से रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जवाब देने की, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो या फिर वीडियो बनाकर। नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।